गांव में तीन सबसे अच्छे दोस्त भूषण, रवि और संतोष रहते थे। इन तीनों दोस्तों ने मिलकर मकई की फसल की कटाई शुरू की। उनकी पत्नियां नाश्ते के डिब्बे के साथ रोज खेत आती थीं और अपने पतियों को खाना खिलाती थीं। तीनों किसान एक दूसरे के बहुत करीब थे, यहाँ तक कि उनकी पत्नियां भी एक दूसरे के बहुत करीब थीं। तीनों ने बहुत मेहनत की और बदले में उन्हें बहुत अच्छी फसल मिली। इसके साथ वे गांव के बाजार में मकई बेचने लगे। कुछ ही समय में स्वाद और मिठास के कारण सभी मकई भुट्टे बिक गए और दिन के अंत में उन्हें खूब कमाई हुई। उन्हें जो भी मुनाफा मिलता था वह उस पैसे को अपनी पत्नियों को भविष्य में उपयोग के लिए दे देते थे। उन तीन दोस्तों के लिए फसल काटना, खेत में देखभाल करना, तीनों किसान अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। उनकी पत्नियां अपने दैनिक घरेलू कामों को पूरा करती थीं और एक साथ एक जगह बैठकर फिर गपशप करती थीं। फिर एक दिन रवि और संतोष की पत्नी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। फिर भूषण की पत्नी अपने गले में एक बहुत लंबी सोने की माला पहनकर आश्चर्यजनक तरीके से उनके पास आई। अन्य दो महिलाएं उस लंबी सोने की माला को देखकर आकर्षित हुई और वो भी वैसी माला खरीदना चाहती थीं। यह जानने के बाद कि भूषण की पत्नी ने अपने पति की बचत से सोने की लंबी चेन खरीदी है, उन्होंने भी अपने पतियों की बचत से सोना और साड़ी खरीदे और फिर उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। पतियों ने अपनी पत्नियों को सोने की माला और महंगी साड़ी पहने देखा और उनसे इसके बारे में पूछा। ऐसा बेफसूल खर्च पर पैसा बर्बाद करने के कारण वह सभी अपनी पत्नियों से नाराज थे और तीनों गुस्से में घर से निकल गए और सीधे खेत में आ गए। तीनों ने इस पर चर्चा की, वह उन्हें सबक सिखाना चाहते थे। उन्हें ऐसा लगा कि अगर वह अब सही निर्णय नहीं लेंगे तो भविष्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए वे एक विचार लेकर आए जो इस मामले में उनकी मदद कर सकता था। इसे लागू करने के लिए सभी घर वापस गए। हमारे भविष्य के बारे में बिना सोचे तुमने हमारी बचत को बर्बाद कर दिया। इसके बदले में तुम्हें एक व्यवसाय या नौकरी करके अपने सोने और साड़ियों के मूल्य जितना पैसा कमाना पड़ेगा। तुम तीनों आपस में फैसला करो कि इतनी बड़ी रकम कैसे कमाओगे और हमें अपना अंतिम फैसला सुनाओ। बस हमें बस ये बताएं कि आप तीनों कब शुरू करने जा रहे हैं। जल्दी निर्णय लो, आप महिलाओं के पास सिर्फ 30 दिन हैं। तीनों अपनी पत्नियों को समझा कर घर से निकले। उसके बाद तीनों पत्नियां अपने सामान्य स्थान पर मिली। 30 दिनों में इतनी बड़ी कमाई कैसे संभव है? इतनी बड़ी रकम कमाने के लिए हमें ऐसा व्यवसाय शुरू करना होगा जो इस गांव में अभी तक नहीं है। यह क्या व्यवसाय हो सकता है? तीनों ने खूब चर्चा की। अरे मेरे पास विचार है, हमारे पति से सभी भुट्टे खरीदते हैं, हम तीन प्रकार के भुट्टे बेच सकते हैं, एक कच्चे, फिर एक तले हुए और
एक वो जिस पर नींबू, नमक और काली मिर्च का लेप हो। अन्य दो महिलाएं भी भूषण की पत्नी से सहमत थी। वे तीनों अपने पतियों के पास गईं और अपने विचार के बारे में बताया। उनकी बात सुनकर तीनों किसानों ने सहमति जताई। उस दिन से उन तीनों ने बहुत मेहनत करना शुरू कर दिया, जैसा कि उन्होंने अपने पतियों से वादा किया था। उन्होंने अपनी दुकान के ठीक सामने एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, कच्चा भुट्टा 15 रुपए, तला हुआ भुट्टा 20 रुपए और तला हुआ भुट्टा नमक, नींबू और काली मिर्च के साथ 25 रुपए। एक महिला ने भुट्टे का छिलका उतारा, दूसरी ने भुट्टे को भूना और तीसरी ने भुट्टे पर नींबू, नमक और काली मिर्च का लेप लगाया। बाद में उन्होंने उसे बेचकर पैसे कमाए। हालांकि ये महंगा था, पर फिर भी लोगों ने उसे खरीदना शुरू किया। 2 दिनों में ही काफी लोग भुट्टे लेने के लिए आए। उस मीठे रसीले भुट्टे के लिए लोग लंबी कतार में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। दिन के अंत में उन्होंने भुट्टे बेचकर 6,000 रुपए कमाए। इसी तरह से यह 30 दिनों तक जारी रहा और उन्होंने लगभग 1,80,000 रुपए कमाए। 31वें दिन वे तीनों अपने व्यवसाय से कमाए हुए पैसे लेकर अपने पतियों के पास गईं। पैसे वापस देने के बाद उन्होंने अपने पतियों से वादा किया कि वह अपने व्यवसाय को जारी रखेंगी और कड़ी मेहनत करेंगी। इसी तरह तीनों महिलाओं को पैसों और मेहनत का मूल्य पता चला। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पहले की गई गलती को कभी नहीं दोहराया। उन्होंने अपने पतियों के काम में हाथ भी बटाया। बहुत सारी कमाई के साथ वे नाम और प्रसिद्धि के साथ खुशी से रहते थे।